बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि कॉट थीटा 7/8 गिवन है रेशियो, ठीक है। तो कॉट थीटा हमें पता होता है क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि बेस तुम्हारी 7 है, तुम्हारा परपेंडिकुलर 8 है। इसका मतलब क्या है कि बेस मेरी है 7x, ठीक है। मैंने कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरीके से परपेंडिकुलर मेरा 8 नहीं है बल्कि 8x है, कोई भी नंबर हो सकता है ये एक्स वाई जेड। सबसे पहले तो हाइपोटन्यूज निकाल लो, तभी इसी की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, दैट हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 8, तो 8x का स्क्वायर कर दो। बेस क्या है 7x, इसका स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा 8 8 64 एक्स स्क्वायर, 7 7 49 एक्स स्क्वायर, ऐड करो 113 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एच कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि ये तो एच स्क्वायर था, मुझे एच चाहिए तो इसका ऑब्वियसली इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक्स बाहर लो क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 11√113। ये तुम्हारे पास एच की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, एक्स रूट 113, ठीक है। अब आसान हो जाएगा सब कुछ। चलो अब हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेते हैं, फिर इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो बच्चों, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 8x, हाइपोटन्यूज कितना है एक्स रूट 113। एक्स एक्स कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 8√113, ठीक। कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। बेस कितनी है यहाँ पे 7, हाइपोटन्यूज कितना 7x, हाइपोटन्यूज इज एक्स रूट 113। ये हो जाएगा 7√113, ठीक। इसमें पुट करते हैं, चलो ये वैल्यूज ध्यान रखना साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या आ रही है। देखो हमारे पास हमें चाहिए 1 + sin θ, 1 - sin θ, अगेन 1 + cos θ, 1 - cos θ। क्या फॉर्मूला नज़र आ रहा है, a + b × a - b किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, a² - b² का, होता है कि नहीं होता है। तो मैंने इसको 1² - sin²θ कर लिया। अगेन 1 a + b × a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है, सही। चलो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 1² 1 ही रहता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर 8√113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये है 1 - 7√113 का स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 1 - 8 8 64, इसका स्क्वायर खोलो तो 64/113 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 - 7 7 49/√113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। एलसीएम ले लो, 113 113 - 64, दिस होल डिवाइडेड बाय 113 - 49, ठीक है। एलसीएम लिया ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 113 - 64 कितना हो जाएगा बच्चों 49, ठीक। 113 - 49 कितना हो जाएगा 64, दिस विल बी द आंसर, ठीक। इसमें तुम्हें एक और करना है, सेकेंड करना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8, हाँ। तो सॉरी, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर।